पलवान लस्सी वेराइटी आप 80, पीजीए लस्सी चाहिए 20+80, खाएंगे माल लाल हो जाएगा गाल, ठंडा ठंडा कूल गर्मी जाओ भूल, ना नशा करो ना वार करो, करना है तो सिर्फ प्यार करो। हमें मक्खन मलियो जो खाए किशन कन्हैयो, कन्हैया जी खाते थे। अरे क्या बात, ये स्वास्थ्य का आइटम बम भी है। काशी तो मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन जब भी जायका की बात होती है तो काशी पहले नंबर पे आता है। चाहे काशी का अगर चाट की बात करें, या यही एक शहर है जहां पे लस्सी पिया नहीं खाया जाता है। इस वक्त हम लंका पहलवान लस्सी के पास में है और यहां बहुत भीड़ लगा हुआ है। हम बात भी करेंगे कि क्या चल रहा है और भैया से बात भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत भीड़ है, भीड़ में आने में दिक्कत हो रही है। भैया अपना पहले परिचय बता दीजिए पूरा और काम। जी मेरा नाम मनोज कुमार यादव है और हम काशी से हैं, पहलवान लस्सी। ये क्या बन रहा है? ये सर मक्खन मलियो बन रहा है, नाम है मक्खन मलियो जो खाए किशन कन्हैयो। अच्छा, कन्हैया जी खाते थे। अरे क्या बात है। और उसके बाद जो है जाड़े के दिनों में केवल बनारस में बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और मज़े की बात है कि स्वाद के साथ साथ ये स्वास्थ्य का भी खजाना है। स्वास्थ्य का खजाना कैसे? सर ये स्वाद का खजाना इसलिए है कि इसको जो है पहले आप दूध को खौलाइए, फिर उसको छत पर रखते हैं ठंडा होने के लिए, तो कई बर्तनों में इसको बांट के रखा जाता है। तो छत पे जो आजकल सर्दियों के दिनों में ओस गिरती है, तो ओस का हमारे जीवन में भी बड़ा बड़ा महत्व होता है। तो जैसे पूर्णिमा में आप देखते हैं कि आप ओस खीर बनती है, शरद पूर्णिमा को रखा जाता है कि शरद पूर्णिमा के, तो ओस नहीं वो अमृत समान होता है। ओस हमारे नेत्र ज्योत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और डॉक्टरों का भी कहना है कि सुबह सुबह उठ के नंगे पैर घास पर चलें या नेत्र पे आपने ओस की कुछ बूंदें लगाएं, तो ये हमारे आंखों के लिए बहुत स्वास्थ्य लाभदायक होता है। उसके बाद इसमें फिर केसर, पिस्ता, बादाम का एक पेस्ट बना के इसको डाला जाता है। तो बादाम हमारे आप देखते हैं जाड़े के दिनों में त्वचा शुष्क हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, तो बादाम का जो काम होता है हमारी त्वचा को चिकनाहट पैदा करता है। और जो केसर है वो सौंदर्य का भी वो है और अपने शरीर को गर्मी भी देता है। हाँ, तो इसलिए केसर का भी ये रोल हो गया। पिस्ता जो है आपको एनर्जी देता है, तो इसीलिए ये स्वास्थ्य का आइटम बम भी है। काशी में लोग सुने लस्सी पीते नहीं खाते हैं। जी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ये बनारस की लस्सी है और पहलवान की लस्सी है और इसको वाकई पीते नहीं खाते ही हैं। और पीना हमारा तो पीना खाना दोनों है, आप पी भी सकते हो खा भी सकते हो। हाँ, तो जैसे आप आनंद लेना चाहिए वैसे आनंद लीजिए। पहलवान लस्सी वेराइटी आप 80, पीजिए लस्सी चाहिए 20+80, खाएंगे माल लाल हो जाएगा गाल, ठंडा ठंडा कूल गर्मी जाओ भूल, ना नशा करो ना वार करो, करना है तो सिर्फ प्यार करो। अच्छा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, क्या फीडबैक क्या रहता है? अभी कार्तिक आर्यन भी आए थे। जी जी, देखिए फीडबैक तो हमारे तमाम ग्राहक बंधु खड़े हैं और कुछ लोग खा भी चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमसे न बुलवा के हमारे प्रिय ग्राहकों से बुलवाइए कि उनका फीडबैक कैसा रहे। मलाइयो खाएं आप? हाँ, बहुत टेस्टी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम धनबाद से आए हैं। हाँ, सुना था यहाँ आया, दो दिन घूमा देखा हमने, उसके बाद बहुत बढ़िया लगा खाए। हाँ, मैं कोलकाता से आई हूँ। बहुत टेस्टी, बच्चे फर्स्ट टाइम खाए तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। हाँ। अच्छा, ये छोटा बाबू है, क्या कह रहे हो? मलैया। कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। बहुत टेस्टी। कहाँ से आए हो? धनबाद। मौसम चल रहा है और पहलवान लस्सी की दुकान में मलाइयो खाने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और कहाँ से लोग हैं और मलाइयो खा के कैसा लगा उनको, हम लोगों से बात कर, कहाँ से आए हैं सर? भैया हम नैनीताल से आए हैं। क्या खा रहे हैं आप? मलाइयो, मतलब हमारे यहाँ तो इसको झाग कहते हैं, पहली बार सुने हैं इसको मलाइयो कहते हैं। और यूट्यूब पर सर्च करके आए थे, सुबह से ढूंढ रहे तब पता चला कि यहाँ पे है ये।
ये कौन सा एरिया है? लंका में। तो बड़ा पता करके आए हैं, तब जाके यहाँ पे हमने स्टार्ट ट्राई करा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया। यूट्यूब पे देखा था? यूट्यूब पे देखा था भैया। और सुबह से जब से नैनीताल से निकले दिमाग में ये था कि पहलवान जी की लस्सी क्या जाके मलाइयो खाना है। अच्छा, पहलवान लस्सी दिखा था आपको यूट्यूब पे? बहुत बढ़िया। और कहाँ घूमा आप? अब भैया कल घूमेंगे, आज आए हैं। आज तो केवल ये क्रूज पे गए थे, सारे घाट कवर किए। कल दर्शन करेंगे मंदिर के सुबह, फिर शायद सारनाथ जाएंगे। ये मलाइयों की जो धूम है केवल बनारस में ही नहीं, नैनीताल तक भी पहुंच गई है। खैर, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं, कहीं भी शहर में जाने से पहले वहां की जायका के बारे में देखते हैं, और काशी तो खैर इसके लिए जाने भी जाती है। ये पहलवान लस्सी दुकान पे हम हैं यहां पे, और बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी मलाइयों का स्वाद ले रहे हैं। अब हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा, तमाम अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।